और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है। आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो। एक मिनट मेरी बात सुनो। बालूजी प्लीज, अधीरंजन जी एक मिनट प्लीज, बालूजी प्लीज सिट डाउन। हाँ प्लीज, मैं प्लीज एक मिनट अधीरंजन जी एक मिनट। मिस्टर सुरेश प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए।